दीज आर सम यूजफुल वर्ड्स जनरल एंड लीगल डिक्टेशन मिक्सअप. सो फर्स्ट वन इज मॉडिफाइंग. सो ये एम डी एफ के आउटलाइन भी हाफ रहेंगे और आई एन जी का डॉट लगेगा, तो ये हमारा क्या बनेगा, मॉडिफाइंग. उसके बाद है फास्टर. एस टी आर का लूप एस टी के लूप से थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है, तो ये हम पूरा बनाएंगे, ठीक है, फास्टर. उसके बाद है कर्बिंग. सो कर्बिंग को हम के आर बी और आई एन जी के डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, कर्बिंग. एक्सप्लोरेशन, ये तो क्या हमारा के एस पी एल, ठीक है, ये पी एल होता है, ठीक है, फिर आर और शन अंदर की तरफ, एक्सप्लोरेशन. उसके बाद है नफ्ता, एन ए पी टी एच ए, ठीक है, नफ्ता, यू कैन नफ और ता के लिए ता, ठीक है, नफ्ता. एक आप वोवल लगा देंगे ताकि हमको पता लग सके कि लास्ट में टी ए है, ठीक है, सिर्फ टी नहीं है. उसके बाद है रिवेटमेंट, ये हो गया रिवेटमेंट, हम इसको पूरा बनाएंगे, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा तो ईजिली आपको आउटलाइन लिखे जाएगी. क्रिमिनल की आउटलाइन एडवांस आउटलाइन बिलो द लाइन सी आर होती है, मिसलेनियस के लिए एम एस, और नंबर जैसे हमारी शॉर्ट फॉर्म है वैसे बनेगी. इन रिस्पेक्ट ऑफ जो होगा ऑन द लाइन रहेगा, ठीक है, और इन स्पाइट ऑफ होगा वो अबव द लाइन आ जाएगा, उसमें आई का वोवल दे देंगे, सेम एज इट इज़ बनेगा, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ. उसके बाद है सीजर. अब स्पेलिंग क्या होती है सीजर की, एस ई आई जेड यू आर ई, इसके लिए हम क्या करेंगे, कट द लाइन एस एस और आर, सीजर, ठीक है, आर बनाना है इसको, चाहे आप इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ एंगल को मोड़ सकते हैं या नीचे की तरफ, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सही से याद हो जाएगा, ऑन अकाउंट ऑफ, ठीक है. उसके बाद है क्रिमिनल कोड. जैसे मैंने आपको बताया क्रिमिनल बिलो द लाइन होता है के आर, और कोर्ट के लिए हम वैसे कोर्ट बनाएंगे जैसे हम बनाते हैं. अकुमुलेटेड, ये हो गया अकुमुलेटी. अब मैंने आपको बताया था ई डी की साउंड जहाँ भी होती है उसके लिए सिंपली कट कर देंगे तो हमको इजिली याद रहेगा कि ये ई डी के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है. उसके बाद है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, ये हो गया प्रिवेंशन और ये हो गया करप्शन, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन. इसी का एक एक्ट आता है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, तब ये कैपिटल होगा, ठीक है. सबऑर्डिनेट, वैसे छोटा रहता है बट अगर इसके साथ जज वगैरह आ जाता है, ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट आ जाता है तो ये कैपिटल हो जाता है. एनक्रोच्ड, एन के आर चे पूरा ई डी की साउंड आई है तो बताया था कि उसको काट देंगे, ठीक है. उसके बाद है सेलम, ये क्या एस एल और एम और ई एम का हम ये पुट करेंगे जिससे हमको पहचान में आ जाएगा कि ये ना तो सोलम है ना ही सिलम है, ये हमारा सेलम है, एस ए एल ई एम, सेलम, ठीक है. तो ये वर्ड्स थे कुछ जो कि दोनों के मिक्सअप है, ऐसे वर्ड्स मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, मैं इसकी फोर फोर लाइन्स में प्रैक्टिस करता हूँ, तो आपको भी जब तक प्रैक्टिस करनी है जब तक कि आपका प्रॉपर तरीके से ये आउटलाइन बने ना, ठीक है. सो बी प्रैक्टिस फॉर अ बेटर फ्यूचर. थैंक्स टू ऑल.